आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स की संकल्पना सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट दिया गया जॉर्ज कैंटर ने, और मैट्रिक्स होता क्या है, आपके जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, यह चीज जानना है। आप अपने लाइफ में डेली बाय डेली मैट्रिक्स का यूज करते हो, हर आदमी के, हर छात्र के आपके मोबाइल है, मोबाइल का कीपैड मैट्रिक्स पर ही निर्भर करता है और उसी पर आता है। पहले हम आज नोटेशन शुरू करेंगे कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे। सपोज करें एक व्यक्ति है या एक स्टूडेंट है जिसके पास 15 नोटबुक है, 15 नोटबुक। अब इसे हम कैसे बताएंगे, इसको लिखने के लिए हम इसे ब्रैकेट में, जो बड़ा ब्रैकेट आप जानते हैं, ब्रैकेट में 15 लिखते हैं। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि उसके पास 6 पेन भी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर ब्रैकेट में 15 to 6। या तो एक व्यक्ति का नोटेशन बना, अगर ऐसे दो से एक से अधिक व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति है जिसके पास 15 नोटबुक है और 7 पेन है, एक व्यक्ति सी है जिसके पास 9 नोटबुक है और 12 पेन। अब इन सभी चीजों को हम एक रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ए के लिए 15 6, बी के लिए 11 7 और सी के लिए 9। ब्रैकेट बंद, क्या रेक्टेंगल हो गया, क्या नोटबुक है और यह पेन भी। आप देख रहे हो यह एक, क्या इसे हम फर्स्ट रो कहते हैं R1, इसे हम सेकेंड रो कहते हैं R2, इसे थर्ड रो कहते हैं R3। ये फर्स्ट कॉलम कहलाता है C1, सेकेंड कॉलम कहलाता है C। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंटों की संख्या आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, बट इसमें 3 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इसे हम स्टार्टर लिखते हैं 3 × 2। रो को पहले, कॉलम को बाद में लिखते हैं 3 × 2, और यार इसमें टोटल एलिमेंटों की संख्या 6 हो। आप देख रहे हो यह एक रेक्टेंगल में बना हुआ है और यह 3 × 2 आकार का एक मैट्रिक्स कहलाता है। और आप जनरली अपने मोबाइल को चलाते हो, कीबोर्ड पे देखते हो कि कीबोर्ड पे 1 to 9 के नंबर लिखे होते हैं, उसमें 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, और उसी इसके द्वारा ही वाट डिफाइन होता है, और उस नेट के द्वारा जो नेट आज बिखरा हुआ है हमारे ब्रह्मांड में और जिससे हम बहुत सारी सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। अगर कैंटर ने इस मैट्रिक्स का निर्माण नहीं किया होता, मैट्रिक्स की परिभाषा को नहीं बताया होता, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं दिया होता, तो हमारा जीवन आज इतना उचित नहीं। तो यह अब आपको जनरल इसकी परिभाषा, अगर इसका डिफिनेशन जानना हो तो MN कैसे एक्सप्रेस करेंगे, MN ऑर्डर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें MN ऑर्डर होते हैं, जिसे हम N क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें N को रो एंड N को कॉलम से डिफाइन किया जाता है, M रो हो जाता है और N कॉलम। अब अगर MN को किया हो तो हमें दिखाना हो तो सपोज करो ये आप रेक्टेंगल लेते हो A11, A12, A13, डाटा A1, एक सेकेंड रो, फर्स्ट रो है, इसलिए सब फर्स्ट लिए गए 1 1 1 1, लेकिन एक कॉलम चेंज होता जाता है, इसलिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लास्ट में एन कॉलम आया। फिर सेकेंड रो में आएंगे A21, A22, A23, लास्ट में जाएगा A2N। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे AM1, AM2, AM3, AM, और यह ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, रेक्टेंगल ब्रैकेट, और इसे हम M क्रॉस N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कहेंगे, और यह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको मैक्सिमम 3 × 3 का ऑर्डर का ही मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, और आपके पूरे सिलेबस में 3 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स का निर्माण, तो आप कैसे करोगे उसका निर्माण। सपोज करो कि आपके सामने 3 लोग हैं, और 3 लोग, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी,
कहा जा रहा है कि एक के पास पांच आम और छह कोई दूसरा फल है, फाइव मैंगो एंड सिक्स एप्पल्स। दूसरे के पास कहा जा रहा है कि टेन मैंगो एंड थ्री एप्पल है। तीसरे के पास कहा जा रहा है कि सिक्स मैंगो एंड एट एप्पल है। अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में। तो पहले ए के लिए मैंगो में आएंगे और एप्पल के लिए आएंगे, तो यहाँ पे फाइव एंड सिक्स, टेन एंड थ्री, सिक्स एंड एट, यह एक मैट्रिक्स का निर्माण होता है। अब जनरल भाषा में इसे इसके रो और कॉलम को आई और जे के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा जाए कि ये थ्री क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसमें ए आई जे इक्वल हाफ इंटू आई माइनस बी जे। कहा जाए कि इसके मैट्रिक्स का आप निर्माण कीजिए, तो आप कैसे मैट्रिक्स का निर्माण करें, कैसे मैट्रिक्स को बनाए। यहाँ पे ए आई जे थ्री क्रॉस टू, हमने पहले बताया कि जो पहला नंबर होता है यम क्रॉस यम, यम को हम रो कहते हैं और यन को कॉलम कहते हैं। यहाँ पे रो कितने होंगे, थ्री होंगे और कॉलम होंगे, अर्थात आई क्या होगा वन टू थ्री एंड जे होगा वन। इतना तो आप समझ गए होंगे कि थ्री क्रॉस टू का थ्री टू आर्डर का मैट्रिक्स का मतलब बन रहा है। तो थ्री क्या है, रो की संख्या है, नंबर ऑफ रो एंड टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आई के स्थान पे रिप्लेस करेंगे वन टू थ्री एंड जे के लिए। तो पहले हम एलिमेंटों को बनाएंगे, फर्स्ट ए आई से, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हाफ आई के स्थान पे वन थ्री इंटू वन, इसे आप सॉल्व करोगे तो ए माइनस वन आएगा, ए माइनस वन आएगा। अब ए वन टू हाफ वन माइनस थ्री इंटू टू ये आएगा माइनस ए वन थ्री हाफ वन माइनस थ्री इंटू थ्री ये आएगा माइनस। अब ए टू वन हाफ इंटू टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू वन ये आपका होगा माइनस वन बाई ए टू टू हाफ टू माइनस थ्री इंटू टू होगा टू माइनस टू। फिर ए टू थ्री या ए थ्री वन, थ्री माइनस थ्री इंटू वन हाफ इंटू ये होगा जीरो। ए थ्री टू हाफ इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू ए होगा माइनस थ्री बाई टू। अब सारे एलिमेंट आपको मिल चुके हैं। अब इन एलिमेंटों को हम रेक्टेंगल में मैट्रिक्स में रखें। पहला एलिमेंट जनरल रूप में जब आप बनाते तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री, ये आपके एलिमेंट होते। चूंकि थ्री टू टू आर्डर का आया है तो फर्स्ट रो है आर वन, आर टू, आर थ्री, ये फर्स्ट कॉलम है सी वन सी टू। अब ये एलिमेंट आपके सामने निकले हुए हैं, ए वन वन क्या मिला है माइनस वन, ए वन टू माइनस टू, ए टू वन माइनस हाफ, ए टू टू माइनस टू, ए थ्री वन जीरो एंड ए थ्री टू माइनस थ्री वन। ये मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया कि इसी मैट्रिक्स को आपको इसके द्वारा बनाना था। और जब आप आई और जे को जान गए, आई इज द नंबर ऑफ रो एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम, थ्री इंटू टू ऑर्डर, थ्री इज द नंबर ऑफ रो एंड टू इज द नंबर ऑफ कॉलम, आई इक्वल वन टू थ्री एंड जे इक्वल वन एंड, तो आज आपने जाना कि कैसे हम एक मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं और उस मैट्रिक्स को किसी भी पोर्शन को मैट्रिक्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके आर्डर को बता सकते हैं और उस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या को बता सकते हैं।
आज के लिए आपका क्लास होगा।